वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर मोश। तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है भाई, नेक्स्ट अपडेट होगा ना मार्वल मूवी बेस्ड अपडेट, जिसका नाम को मिलेगा लाइक मारो फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कैप्टन मार्वल को टीयर 4 मिलेगा एंड कमाला खान को भी टीयर 4 मिलेगा, लेकिन फर्स्ट कमाला खान को पहले टीयर 4 मिलेगा कॉम्बैक टाइप को, क्योंकि अभी अभी हमने को घोस्ट राइडर को टीयर 4 मिल चुका है यूनिवर्सल टाइप। अब बुक ऑफ जानते तेल दिल्ली जमा नहीं होती है, इसलिए मैं बता दूँ मिड अपडेट यानी ब्लैक फ्राइडे के 2 दिन पहले 24 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे, 22 नवंबर को कैप्टन मार्वल टीयर 4 होगी विथ लेटेस्ट यूनिफॉर्म, नया यूनिफॉर्म मूवी बेस्ड यूनिफॉर्म। अब बात आती है भाई टीयर 3 होगा निक फ्यूरी, अब फाइनली भाई टीयर 3 होगा। कितने लंबे समय इंतजार करने के बाद भाई एक परफेक्ट, ऐसे बोलूँ तो निक फ्यूरी होने वाला लीडरशिप सपोर्ट सुपर हीरोज़ के लिए, तो निक फ्यूरी अब टीयर 3 होने का ऐसे बोल सकता हूँ बढ़ेगा चांस, कंफर्म समझो भाई। टीयर 3 निक फ्यूरी कम और बिल्ली के साथ होगा, मतलब बिल्ली उसके कंधे पे बैठे रहेगी आई थिंक, और उसकी कुछ स्किल उसकी रहेगी तो देखना रहेगा। एंड न्यू लेजेंडरी बैटल भी ऐड होगा, क्योंकि मूवी बेस्ड अपडेट है तो ऑफकोर्स बड़ी जो मूवी रहती है मार्वल की वहाँ पे रहता है भाई ना भाई लेजेंडरी बैटल ना, वहाँ जैसे एंटमैन की मूवी आई थी उस टाइम पे था, और इसके सेम टू सेम नवंबर के अपडेट में पिछले साल वकांडा फॉरएवर थी एंड इस साल है भाई द मार्वल्स। तो जैसे थंबनेल में देखे हो लेजेंडरी बैटल आने वाला है एंड आई थिंक वहाँ से कुछ अच्छे रिवॉर्ड या फिर न्यू कैरेक्टर वहाँ से मिले आई थिंक। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ, अपडेट कब आएगा, क्या डेट है, क्या टोकन ओकन है, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, तो एक बार पिन कमेंट चेक कर लेना। इसके अंदर नए नए इवेंट आए वो बताया हूँ, और अपडेट कब आएगा, कौन सा अपडेट कितने तारीख को आएगा, क्यों कमाला खान को फर्स्ट टीयर 4 मिलेगा, और क्यों मिड अपडेट में कैप्टन मार्वल को टीयर 4 मिलेगा, सब उसके अंदर मैंने बता चुका है। चेक आउट दिस वीडियो पिन कमेंट में है, देख लो एक बार जाके। और बात है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ, कमाला खान टीयर 4 होगी तो यहाँ पे ये कॉम्बैक टाइप होने वाली है, फर्स्ट फीमेल कॉम्बैक टीयर 4 होने वाली है, जो कि अभी तक फीमेल कॉम्बैक टाइप में फीमेल कॉम्बैक टाइप में कोई नहीं है, चाहे वो सुपर हीरो सुपर विलन हो, कोई भी अभी फीमेल कॉम्बैक टाइप टीयर 4 नहीं है। तो फर्स्ट टीयर 4 कमाला खान को दे सकते हो विद लेटेस्ट यूनिफॉर्म, क्योंकि पिछला यूनिफॉर्म इसका स्पीड का था और इसका थोड़ा पिछले जाए तो वो कॉम्बैक का था, फिर उसके पिछले जाए तो स्पीड है, लेकिन इसका कैरेक्टर भाई कॉम्बैक्ट है। तो आई थिंक भाई जैसे हम ट्रेलर में देखे वो ज़्यादा हैंड टू हैंड फाइट करिए कमाला खान, तो आई थिंक दिस इज़ द न्यू लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म जो मूवी बेस्ड है द मार्वल्स का जो अपडेट आएगा उसमें कॉम्बैक टाइप हमको कमाला खान देखने को मिले मिस मार्वल। और ये यूनिफॉर्म तो भाई ये सीरीज़ का, ये नहीं जो लेटेस्ट आएगा नवंबर के अपडेट के बाद वो वाला हमको देखने को मिले कॉम्बैक्ट। ये तो अभी स्पीड है और ये दो तरीके से काम आ सकती है, अगर ये यूनिफॉर्म के साथ हम स्पीड फीमेल ह्यूमन सुपर वाले सुपर हीरो वाले तीनों में यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी चीज कॉम्बैक्ट फीमेल के टाइम पे हम लेटेस्ट यूनिफॉर्म अगर कॉम्बैक्ट का हुआ तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब निक फ्यूरी की बात करते हो, देखो निक फ्यूरी स्पीड है, निक फ्यूरी स्पीड टाइप का है, बट इसका एक यूनिफॉर्म आया वो भी स्पीड टाइप का है, तो इसको स्पीड टाइप बनाएंगे या फिर इसको कर देंगे ब्लास्ट टाइप आई थिंक। इसको ब्लास्ट टाइप कर सकते हैं यूनिफॉर्म के साथ, नहीं तो भाई ये स्पीड टाइप ही मिलेगा लेटेस्ट यूनिफॉर्म जो बिल्ले के साथ आएगा या कैट कंधे में बैठी है वाला यूनिफॉर्म। और टीयर 3 होगा ऑफकोर्स भाई ये लीडरशिप है और सपोर्ट कैरेक्टर है, तो ये ध्यान रखना लीडरशिप सुपर हीरो उसको बहुत तगड़ी लीडरशिप दे रहे हैं। और बात है इसका यूनिफॉर्म आने के बाद लीडरशिप और भी इंक्रीज हो सकती है, 60% और बेसिक अटैक हो सकता है या फिर 65%, तो वेरी क्रेजी, बट लेटेस्ट यूनिफॉर्म आने देखेंगे। टीयर 3 तो भाई मिल जाएगा इसको, बात रही है तो सपोर्ट भी भाई सुपर हीरो उसको बहुत तगड़ा दे रहा है, तो ये सपोर्ट भी इंक्रीज़ हो सकता है, नहीं तो भाई यही सपोर्ट रहेगा भी चल जाएगा, क्योंकि 50% सुपर विलन फैक्शन करेगा 50%, और ये इसको 55% कर सकते हैं या फिर 60% कर सकते हैं, तो भाई वो इंक्रीज हो सकता है थोड़ा बहुत लेटेस्ट यूनिफॉर्म जब आएगा द मार्वल्स वाला। बिल्ली बैठेगी कि नहीं बैठेगी मुझे नहीं पता, उसके कंधे पे जैसे अभी इमेज आई है भाई वैसे तो लगता है भाई बिल्ली कंफर्म बैठने वाली है निक फ्यूरी के कंधे पे, और वो बिल्ली का जो स्किल होगी आई थिंक वो 5 नंबर स्किल में या फिर टीयर 3 स्किल के साथ उसके साथ बिल्ली लड़ेगी, मतलब समझ सकते हो एनिमेशन की बात करूँ मैं। बात आई कैप्टन मार्वल, ये मिड अपडेट में आएगी, यूनिवर्सल टाइप है। दो टाइप एक साथ टीयर 4 नहीं देंगे, मतलब दो टाइप के कैरेक्टर्स एक साथ टीयर 4 नहीं देंगे, बीच में कोई गैप करेंगे तो वो होगा कॉम्बैक्ट अपने कमाला खान मिस मार्वल उसको टीयर 4 मिल जाएगा। और दूसरी बात ये यूनिवर्सल है तो इसको मिड अपडेट ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे इसको टीयर 4 मिलेगा 875 क्रिस्टल के लेटेस्ट यूनिफॉर्म जो मूवी बेस्ड अपडेट होगा मूवी बेस्ड का यूनिफॉर्म होगा वहाँ पे हमको इसको टीयर 4 और लेटेस्ट यूनिफॉर्म देखने को। यूनिवर्सल फीमेल में अभी सिर्फ शैडो शेल है बट वो विदाउट यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म के साथ अभी यूनिवर्सल सुपर हीरो फीमेल नहीं है समझे, यूनिवर्सल सुपर हीरो फीमेल, तो आई थिंक
यहाँ पे होगी कैप्टन मार्वल यूनिवर्सल सुपर हीरो फीमेल। तो देखने की बात है भाई, ये भी समझ सकते हो कितना खास काम करी को, तो अपडेट आएगा तब पता चलेगा। तो ये थी अपडेट की जानकारी। यहाँ पे आने वाले भाई इन तीनों कैरेक्टर्स को कुछ ना कुछ मिलेगा, और नवा कैरेक्टर या फिर जो सुपर विलन होने वाली है वो, और जो एक तरह से एक और कैरेक्टर था जो कैप्टन मार्वल के साथ डांस कर रहा था ट्रेलर में, आई थिंक वो कैरेक्टर भी आ सकता है, बट मेरी चल जाएगी भाई वो कैरेक्टर आएगा तो समझ गए कंफर्म कुछ ना कुछ मिलेगा। टीयर फोर तो भाई दोनों पकड़ लो, कमाला खान द मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल टीयर फोर, और फिर बाद में निक फ्यूरी टीयर थ्री हो सकता है मिड अपडेट या फिर मिड अपडेट में मेन या मिड, दो में से एक पकड़ो, तुमको निक फ्यूरी टीयर थ्री मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए भाई ऐसे वीडियोज़ के लिए लाइक कर दिया करो प्लीज़। बाय बाय।